नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जबलपुर में पुलिस और ब्रह्मकुमारीज की सड़क दुर्घटना और कोरोना से बचाव की पहल, जन जागृति के लिए कार्यक्रम। देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन, व्यसन मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए किया प्रेरित। सड़क दुर्घटना और कोरोना से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस प्रशासन और ब्रह्मकुमारीज ने रोको टोको अभियान का आगाज किया है, जिसमें संस्था के सदस्यों ने चौराहे में स्लोगन बोर्ड के माध्यम से जागरूकता फैलाई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल समेत कई पुलिस अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां बताई। अब खबरें राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की। हरियाणा के कादमा में ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीपी सीएमओ आशीष मान, कुलवंत फोगाट, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव राम प्रकाश सांगवान और बीके वसुधा ने युद्ध आइकन विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्तदान के पश्चात अतिथियों ने कोविड के दौरान ब्रह्मकुमारीज द्वारा की गई सामाजिक सेवाओं के लिए उनकी मुक्त कंठ से सराहना की। तो वहीं बीके वसुधा ने स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा करते हुए कहा कि विवेकानंद आत्म विकास के बल से युद्ध आइकन बन गए, ऐसे हमें भी अपनी आत्मिक विकास और चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए। तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने युवाओं को अपने नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए आह्वान किया। युवा यदि चारित्रिक उत्थान करते हैं, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो निश्चित रूप से भारत माँ के लिए भी वो उनका योगदान रहेगा। आगे भी के मंजू ने युवाओं को स्व अनुशासन का गुण धारण करने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि यदि व्यक्ति स्व अनुशासित रहे तो अपने युवा तन और रचनात्मक मन द्वारा दुनिया की काया पलट कर सकता है। ये विशेष तीन क्वालिटी जो युवाओं के अंदर होनी चाहिए वो है स्व अनुशासन, और दूसरा है गंभीरता, और तीसरा है माधुर्य, अर्थात उसमें हर्षित मुक्ता बनी रहे। युवाओं के लिए ऐसा ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र पर भी हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज युवाओं का आह्वान तो भगवान भी कर रहे हैं, इसलिए हे युवाओं जागो, अपने चारित्रिक उत्थान से भारत को फिर से विश्व गुरु बना दो। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर देवव्रत सिंह, लेक्चरर मनोज मिश्रा समेत कई सम्मानित लोगों ने किया। आगे भी के सीता ने सभी को व्यसन मुक्त रहने, नारी का सम्मान करने, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए प्रतिज्ञा भी कराई। समाज को भी व्यसन मुक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे। इसी क्रम में देखते हैं खबर मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता समेत शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर किया। तत्पश्चात बीके रेखा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने हर कार्य निर्भयता से किया, इसीलिए आप युवाओं अपना हर कार्य निर्भयता से करो। आगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगेश पाल ने युवाओं से हर कार्य को लक्ष्य बनाकर करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में बीके सीता ने सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। अब दिखाते हैं खबर आपको राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र पर आयोजित हुए कार्यक्रम की।
युवाओं के लिए आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने विवेकानंद जी की विशेषताओं का गुणगान करते हुए सभी युवाओं से उन्हें धारण करने की अपील की। इसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बी के रंजू ने राजयोग मेडिटेशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अभ्यास युवाओं के लिए वरदान है। प्रतिदिन कुछ देर किया गया इसका अभ्यास आपके जीवन को मूल्यवान बना देगा। ये तो हुई खबरें युवा दिवस की, अब खबरें दिखाते हैं आपको मकर संक्रांति की। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर्व खगोलीय घटना पर आधारित है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और खगोलीय महत्व भी है। तो आज हमारे साथ हैं सीबीआरआई के डिप्टी डायरेक्टर रहे गोपाल राजू जी, जो अकर्ड साइंस के एक्सपर्ट हैं। गोपाल राजू जी, ओम शांति। और मैं पुनः चाहूंगा कि मकर संक्रांति उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है और तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, तो इसका खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के बारे में थोड़ा बताइए हमें। ओम शांति। देखिए, सूर्य का जब भी भ्रमण होता है एक राशि से दूसरी राशि में, संक्रांति कहलाती है, ट्रांजिट। जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो संक्रांति बन जाती है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग प्रांत में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो एक अलग विषय है, मगर वस्तुतः इसको जोड़ा गया है प्रकृति के परिवर्तन से। आप देखिए, पंजाब में इसको लोहड़ी नाम से मनाया जाता है, कहीं इसको पोंगल नाम से मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से। विशेष रूप से जो इसका महत्व देखा गया सीजन के परिवर्तन से, क्योंकि ये ऐसा एक संक्रांति का पीरियड होता है कि आदमी एक ऐसे माहौल से निकलता है, सर्दी के माहौल से, कि एक गर्मी की तरफ जाता है। तो जो परिवर्तन होता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा लाभदायक भी हो सकता है, बड़ा हानिकारक भी हो सकता है। विशेष रूप से इसलिए महत्ता दी जाती है खाने पीने में। कहीं कहीं आप देखेंगे कि परंपरा होती है खिचड़ी की, विशेष रूप से क्योंकि शरीर जो होता है अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जो हमारे साइंटिफिकली देखा जाए तो इसको प्रूव किया जा सकता है, मगर जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा चलाई, ये परंपराएं कहीं ना कहीं किसी रूप में वनस्पति को लेके और शरीर को लेके। मान्यता है कि सूर्य 12 राशियों में चक्कर लगाने के पश्चात जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग पांचों तत्वों की पूजा भी करते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम भूल जाते हैं। इसी बात को बता रही हैं कर्नाटक के शीर्ष सेवा केंद्र की प्रभारी और गीता विशेषज्ञ बीके वीना। इस मकर संक्रांति पे हम आप सभी मिलकर हमें आसरा देने वाली धरती, जीने के लिए हवा प्रदान करने वाली वायु, प्यास बुझाने वाली पानी, आग देने वाले सूरज, रोशनी देने वाले सभी पांच तत्वों को एक बार आभार करते हुए, जिनके आधार से हम जी रहे हैं, और इन सभी को ताकत प्रदान करने वाला परमात्मा ज्ञान सूरी का अभिवादन करते हुए एक शुभ संकल्प जरूर करेंगे। हम सभी तिल के मुआफिक अति सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माएं अपने जीवन में मधुरता को कायम रखेंगे, सभी से मधुरता पूर्ण व्यवहार करेंगे और जीवन को मधुरतम बनाएंगे। उन्नति करना हर किसी का ख्वाब और प्रयास होता है, लेकिन साधन के साथ साधना की, तन के साथ मन की उन्नति होती रहे तो जीवन में बैलेंस बना रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मौन में रहकर मन में चल रही हलचल को शांत करने के तरीके बताए गए। साथ ही शांति, प्रेम, पवित्रता जैसे अपने आंतरिक गुणों का गहन अनुभव करने की युक्ति भी सिखाई गई। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। पीस न्यूज बुलेटिन और हमारा नया कार्यक्रम सबरंग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।